हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में आपके लिए ऐसा कमाल का ट्रिक लाया हूँ जिसको जानने के बाद आप सच में चौंक जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने मोबाइल में किसी भी वीडियो, चाहे फोटो, चाहे सॉन्ग, चाहे फाइल, चाहे डॉक्यूमेंट, चाहे कॉन्टैक्ट नंबर को छुपा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस ट्रिक को जान जाएंगे तो आप किसी भी वीडियो, सॉन्ग, चाहे फोटो को छुपा देंगे तो आपके अलावा किसी को नहीं पता होगा कि आपने क्या क्या छुपाया। तो दोस्तों, यदि आप इस ट्रिक को जानना चाहते तो इस वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे किसी भी फोटो, चाहे वीडियो, चाहे सॉन्ग को कैसे छुपा सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आके बताता हूँ क्या क्या आपको करना है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि आपको कहाँ से उसे डाउनलोड करना है। तो चलिए हम आ जाते हैं उस ऐप में। उस ऐप में आने के बाद आपको इधर स्लाइड करना है और लिस्ट डू पर क्लिक कर देना। आपको जो भी परमिशन मांगेगा आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यह अभी ओपन होगा। उसके बाद आपको राइट पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी आंसर दें, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ। उसके बाद आपको इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको ओके कर देना है। आप 4 नंबर का कोई भी पासवर्ड आपको डाल देना है। तो चलिए मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब आपको यहाँ पर बीच में इस पर प्रेस कर देना, आपको इसे कन्फर्म कर देना है इस पासवर्ड को। इसे आपको दोबारा उसे डाल देना है। उसके बाद यह ओपन हो जाएगा। अब ओके मांग रहा है, इसे आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज, वीडियो, ऑडियो, फाइल, कॉन्टैक्ट, यहाँ पर सभी आ गया। अब जो भी छुपाना होगा छुपा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसे छुपाना है। तो इससे पहले मैं आपको कुछ सेटिंग दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉक स्क्रीन पाला दिया है। यहाँ पर आप पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट अनलॉक, फेस डाउन लॉक यहाँ पर दिया है। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर डार्क मोड दिया है, यानी आप जो भी करना होगा आप कर दीजिएगा। यहाँ पर आप फेक पिन बनाने का ऑप्शन दिया है, इसे आप फेक पिन भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे किसी भी फोटो चाहे वीडियो को छुपाना है। तो यहाँ पर इमेज पर आपको क्लिक कर देना है। आपको यदि इमेज छुपाना होगा तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कोई भी एक इमेज ले लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख दिखा देता हूँ, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। अब यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको इसे डन कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इमेज इसमें छुपा के मैं यहाँ पर रख दिया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से आप जो भी वीडियो यदि आपको छुपाना होगा उसी तरह से क्लिक करके आप कोई भी वीडियो यहाँ पर क्लिक करके छुपा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ अभी इतनी सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो भी इसी तरह से आपको ऑडियो, फाइल, कॉन्टैक्ट जो भी छुपाना होगा छुपा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसे कैसे, जैसे आप इसे उसी तरह से अनइंस्टॉल कर देंगे किसी भी फोटो वीडियो को छुपा के, तो आपका जो भी वीडियो चाहे ऑडियो, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी छुपा रखे रहेंगे वो भी डिलीट हो जाएगा अपने आप। तो आपको पहले जो भी इमेज चाहे वीडियो छुपाए रखेंगे उस पर क्लिक करना है और उस पर एक बार यहाँ पर प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अनहाइड का ऑप्शन दिया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे जो भी आप छुपाए रखेंगे वापस गैलरी में आपके चल जाएगा। तो वीडियो पर आपको भी क्लिक करके उसे अनहाइड कर देना है, वापस चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस जाके कि वह वापस गया कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गया दोनों यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इस एप्लीकेशन को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली एक दिन बाद एक वीडियो डालता रहता हूँ मोबाइल से टिप्स एंड ट्रिक के। आपके मोबाइल में जो भी प्रॉब्लम होगा हल हो जाएगा। मैं हमेशा मोबाइल से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको उसे कहाँ से डाउनलोड करना है इस ऐप को। इसके लिए आपको आ जाना अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर। तो चलिए आ जाते अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर। मोबाइल प्ले स्टोर पर आ जाने के बाद यहाँ पर सर्च में लिखना जे डायलर, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब आपको इसे ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप ओपन हो गया है। यदि आपको डाउनलोड करना होगा तो यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन देगा, यहाँ पर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।